अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ अभी तक, जस्ट मैंने अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं हनुमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना, बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेकडाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली, टॉप 5 में जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा, तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी बात बात की। अभी तक मैंने फ़ोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। प्लीज़ 1 by 1 प्लीज़। देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो दो शादी हैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी हनुमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्ज़ी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए, मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है।